लेप्लास करेक्शन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। जैसे पहले के लेप्लास करेक्शन को पढ़ा जाए स्पीड ऑफ साउंड के लिए, पहले न्यूटन की इक्वेशन को समझते हैं कि कैसे न्यूटन की स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन को करेक्ट किया था। न्यूटन ये कहता था कि वेलोसिटी ऐसे हमने बराबर है वर्ग मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी के, और इसने वर्ग मॉड्यूलस को रिप्लेस किया था प्रेशर से और डेंसिटी को एज इट इज छोड़ दिया था। लेप्लास ने यहां पर आकर करेक्ट किया, और लेप्लास ने क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी वो एक्चुअली इस फॉर्मूले की वैल्यूज से मैच नहीं कर रही, तो लेप्लास ने इसको करेक्ट किया और इसने कहा कि नहीं, वो जो बल्क मॉड्यूलस जिसको आपने प्रेशर से रिप्लेस किया है उसे असल में बल्क मॉड्यूलस को सिर्फ प्रेशर से नहीं बल्कि गामा टाइम्स प्रेशर से रिप्लेस करें, एंड वेयर गामा इज एक्चुअली सीपी ओवर सीवी, एंड वेयर जो सीवी इज सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड योर सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वी रिप्रेजेंट्स एक्चुअली वॉल्यूम एंड पी रिप्रेजेंट्स प्रेशर, एंड एयर के लिए इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.42, दिस वैल्यू इज फॉर एयर। तो अगर मैं अपने बल्क मॉड्यूलस को गामा पी से रिप्लेस कर दूं तो उसके बाद जो मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी डेट विल बी बेटर, तो मैं ये कह सकता हूं कि माय फाइनल इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड शुड बी गामा पी ओवर रॉ, एंड अगेन दिस गामा इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड लेप्लास करेक्शन। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं तो इसी इक्वेशन में कुछ और इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूं, और वो फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है कि अगर मैं स्पीड और साउंड और टेम्परेचर का रिलेशन निकालूं, यानी स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर, दिस इज ऑल इन एयर, ये सारी कैलकुलेशन एयर के लिए, तो मैं एक बात जनरल इक्वेशन जानता हूं पीवी इक्वल एनआरटी, दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन, यहां पर मैं प्रेशर को अलग कर सकता हूं, मैं प्रेशर विल बी इक्वल टू एनआरटी ओवर वी, और मैं इस एनआरटी ओवर वी को अपनी इस इक्वेशन प्रेशर में यानी यहां पर पी की जगह पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां इसको रिप्लेस करूं तो ऑन रिप्लेसिंग दिस आई विल बी लेफ्ट विद गामा एनआरटी अपॉन डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब मैं जानता हूं कि डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते तो डेट इज एक्चुअली मास, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम के, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास, तो नाउ आई कैन रिप्लेस दिस एज गामा एन आर टी ओवर स्मॉल एम, इफ आई रिप्रेजेंट स्मॉल एम विद मास तो ये स्मॉल एम हो जाएगा। अच्छा, अब फर्दर यहां पर ये तमाम चीजें क्लियर है कि आर से मुराद यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और टी से मुराद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम से मुराद मास है और n से मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास एक्चुअली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, तो मैं इसको यूं भी रिप्लेस कर सकता हूं गामा आर टी ओवर कैपिटल m, ये मेरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ये 1 ओवर मॉलिक्यूलर मास मैंने पुट कर दिया। एक तो ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है और एक और वेलोसिटी ऑफ साउंड की इक्वेशन है जो कि टेम्परेचर को रिलेट करती है, वो इक्वेशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू 332 टाइम्स टेम्परेचर इन केल्विन, यानी वो टेम्परेचर जिस पर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है ओवर 273, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन।